नहीं गया है और इसके ऊपरी माले में लोग आज भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मकान को खाली करा दिया गया है और सामान सब जस का तस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और बिजली कनेक्शन भी आप देख सकते हैं, लाइट भी है और इस घर को सफलतापूर्ण सही तरीके से तकरीबन 6 फीट हाइट कर दिया गया है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। बारिश और जल जमाव के बाद लिया फैसला, घर को जैक पर चढ़ाकर किया 6 फीट ऊंचा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये हुआ है पंडरा रोड के बैंक ऑफ इंडिया के समीप शांति नगर में। यह घर परम मित्र शास्त्री का बनाया हुआ है। घर वालों ने MMJ कंपनी को फोन कर परेशानियों को बताया। कंपनी वालों ने कहा ये परेशानियां आपकी हम सॉल्व करेंगे। मजदूरों ने तकरीबन 400 जैक के सहारे जमीन से 6 फीट ऊंचा मकान को कर दिया। आपको बता दे, रांची में हाल के दिनों में मकान को ऊंचा करने का चलन निकल पड़ा है। मकान को ऊंचा करने का सबसे बड़ा कारण है जल जमाव। लेकिन आपको हम बताते चले, SMP न्यूज ने इस मोहल्ले के खबर से आपको लाइव अवगत कराया है। तो आइए कुछ उन तस्वीरों को भी आपको हम दिखाएंगे, बारिश के समय में क्या परिस्थितियां यहां की होती थी उन तस्वीरों से भी आपको हम अवगत कराते हैं। लेकिन इस खबर का हमको दिखाने का मेन मकसद है कि अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका घर किसी दूसरे की जमीन में घर बन गया हो या जल जमा हो रहा हो या घर को कहीं शिफ्ट करना हो तो कंपनी के सुपरवाइजर ने जो कहा वो अपने आप में ताजुब वाली बात है। और अब रांची में लगभग लोग अपने घरों को ऊंचा करा रहे हैं। तकरीबन ये दूसरा प्रोजेक्ट है रांची में इस कंपनी का, तो वहीं तीसरा प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और न जाने कितने राज्यों में इन्होंने घर को लिफ्ट कराया है और हाइट किया है। बहरहाल आइए सुनते हैं और देखते हैं कैसे घर को ऊंचा किया जा रहा है और क्या कुछ कहना है कंपनी वालों का। और साथ ही आपको हम बताते चले कि आप भी कुछ नया कर रहे हैं देश हित में, जन हित में और खासकर रोजगार हित में, तो आप हमें संपर्क जरूर करें। हमारा नंबर अबाउट बॉक्स में दिया गया है और चैनल के पेज पे भी दिया गया है। बहरहाल आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। तो अभी तक आपने सारी तस्वीरों को देखा, क्या है स्थिति और कैसे इस घर को उठाया गया है। तकरीबन 6 फीट इस घर को उठा दिया गया है। अब आप साफ देख सकते हैं जो मैकेनिक हैं वो लगे हुए हैं अपने कार्य में और सभी जैक को टाइट कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस घर को बिना क्षति पहुंचाए आपने तकरीबन 6 फीट उठा दिया है। हमें लगता है 6 फीट से ऊपर है। क्या कहेंगे इस घर को जो आपने 6 फीट उठा दिया है और कैसे ये संभव हो पाया? यही जैक से हुआ है सर। ये कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ है? हम देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा बहुत ज्यादा पानी लगता है, उसके बावजूद भी इस घर को आपने सेफ्टी पूर्वक उठा दिया है। हाँ सर, यही जग से नीचे से रड से मारते मारते चले थे। ये कैसे संभव हो पाया, कैसे उठाया आप लोगों ने इस घर को एक साथ इतने सारे जैक में? कितना जैक लगा हुआ ये बताइए। इसमें सर करीब करीब 400 जैक लगा है। 400 जैक जी। हम यदि किसी एक गाड़ी को उठाते हैं तो प्रॉपर उसमें ईंटा लगाते हैं, पहले उस गाड़ी को उठाते हैं। लेकिन इस घर को आपने, तकरीबन 3 मंजिला इमारत है ये, और आपने 400 जैक पे एक साथ कैसे इस घर को उठाया? पहले देखिए सर, सबसे पहले इसका दीवार काटा जाता है। ठीक है, वो छेनी है थोड़ा से, नहीं तो फिर वो मशीन से काटते हैं, हैमर मशीन से। उसके बाद काट का एक एक मतलब चार चार रद्दा काट के जग फंसाते जाते हैं और जग फंसा फंसा के एक बार पूरा हो जाने के बाद उसमें चैनल लगाते हैं और चैनल लगाने के बाद उसके नीचे जग लगा लगा के और 1-7 नंबर बोला जाता है और उसके बाद सब जग को एक एक बार चलाया जाता है। तो हमें एक चीज बताइए आप कि जब ये जैक को उठाते हैं तो घर का टेपर नहीं होता? नहीं सर, इसका गारंटी देंगे सर, एग्रीमेंट बना के देते हैं। अच्छा जी। तो यदि हम बात करें अभी तक रांची में कितने ये ऐसे कार्य हो चुके हैं? रांची में तो ये दूसरा कार्य है। दूसरा, एक कांके में हुआ था, ये दूसरा है? ये दूसरा है। दूसरा है। तकरीबन कितना फीट इसको उठाया आपने? ये 6 फुट उठ गया है। 6 फुट उठ गया है जी। तो नीचे जो इसका, हमको एक चीज और बताइए, जो नीचे में जिसको बोलते हैं न्यू, तो न्यू के बाद ये कार्य होता है? जी जी। न्यू जस का तस रह जाता है जी, जो आगे ऊपर दीवार है उसके बाद आप लोग जी उठा देते हैं। जहाँ से हमारा फर्श है वहाँ से दीवार काट लेते हैं और आराम से उठा लेते हैं। क्या लमसम लागत आता है ये प्रोसेस करने? ये देखिए स्क्वायर फुट के अनुसार होता है। स्क्वायर फुट तो हम लोग को बताने का उतना नहीं है, वो तो भाई साहब बता सकते हैं। फिर भी एक लमसम कोई अनुमान, जैसे 250 स्क्वायर फुट या तो 300 स्क्वायर फुट जैसा मकान रहता है वैसा, करीब करीब 6 मंजिल तक हम लोग उठाते हैं। 6 मंजिल तक उठा देते हैं जी। और उठ जाता है जी, आराम से उठ जाता है।
यदि हम रांची की बात छोड़ दे तो इसके अलावा आप लोग कहाँ कहाँ की? तमिलनाडु, बेंगलोर, ये केरला, हर जगह उठाए हैं भारत ने, इंडिया में हर जगह हम लोग काम किए हैं। अभी हमारा दूसरा साइड एयरपोर्ट पे है, रांची एयरपोर्ट जी। अच्छा, अभी लगातार डिमांड आप लोग का बढ़ रहा है जी, पटना में, लखनऊ में, सब जगह हमारा साइड चल रहा है। बिल्कुल, आपने अभी सुना कि ये कैसे प्रोसेस होता है। बहरहाल हम आइए, हम दिखाते हैं कुछ और तस्वीरों को, हम अंदर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि अंदर की तस्वीरों को आपको हम दिखाएं। आप देखें ये कितना गड्ढा है, और कभी ये पानी में ये डूब जाता था मकान, उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज जस का तस। आप देख सकते हैं यहाँ एसी भी अभी भी लगा हुआ है, और एसी भी जस का तस वहीं पे पड़ा हुआ है। एसी है, पंखा है, मतलब कुछ भी हटाया नहीं गया है, और इसके ऊपरी माले में लोग आज भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मकान को खाली करा दिया गया है, इसके ऊपरी माले में अभी जो मकान मालिक हैं वो रह रहे हैं, और सामान सब जस का तस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और हम बात करेंगे मकान मालिक से, लेकिन आप देख सकते हैं तकरीबन 400 जैक इस मकान में लगाए गए हैं, तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मकान की मालकिन है, हम उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे में काम चल रहा है और ऊपर में है वो, और सेकंड फ्लोर में उड़ा रही हैं। और मैम क्या कहेंगी आप, ये जो प्रोसेस आपने कराया है घर का? बहुत सारा पानी, कम से कम तो 3-4 फीट, इस बार तो 3-4 फीट आ चुका, पूरा ही पंडरा इलाका पूरा भर जाता है। तो इसके निजात पाने के लिए कुछ तो हमको करना पड़ता है। इससे पहले कांके में बनाए 8 फीट की ऊंचाई पर, तो हम भी सोचे जब वो बना रहे हैं, हम लोग दोनों मिल के बातचीत भी किए, तो यही समस्या हल हुआ कि जब उधर भी हो गया काम तो पंडरा में भी ये काम होना चाहिए, हम भी ये समस्या से निजात पाने के लिए काम करवा लिए। मैम कितना खर्च आया लगभग? खर्च तो बहुत आया, फिर भी अभी तो उतना जोड़े नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ चुका है। और लेकिन एक तरह से यदि हम यूं यदि कहें कि जिस तरह से आप परेशानियों से घिरी हुई थी, तो कहीं ना कहीं अब आपको उससे निजात मिला? हाँ, निजात तो मिला। ये घर हमारे फादर का बनाया हुआ है, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर परम मित्र शास्त्री है, वो नेत्रहाट विद्यालय में प्रिंसिपल थे, भूतपुर प्राचार्य नेत्रहाट विद्यालय, उन्हीं के द्वारा ही मकान बनाया हुआ है। और घर तो पुराना हो गया, लेकिन अब बनाने से अभी और ज़्यादा अच्छा हो गया। घर तो पुराना है लेकिन इसको बनाने से और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अभी आपने सुना मकान मालकिन से। हम यूँ कहें कि जब इस लिफ्ट को लगाया जा रहा था, तो क्या आपको कुछ डर नहीं था कि यह घर गिर जाएगा? हम लोग इसी में हैं, मैं देख रहा हूँ कि एसी भी जस का तस है, कुछ डर ऐसा नहीं? डर पहले लिफ्टिंग में तो डर हुआ, लेकिन उसके बाद परमात्मा पर भरोसा किए थे, माता पिता पर भरोसा किए हैं, और बाकी तो ऊपर वाले की देन है। दूसरे लिफ्टिंग से कुछ भी नहीं लगा। तो अभी भी नीचे काम चल रहा है ऊपर में, मस्त आप लोग खाना पीना मस्त है, सब कुछ, सब सामान तो आप देख ही रहे हैं, सब सामान एक ही जैसा है, सारा चीज नीचे छोड़े ही हुए हैं, ऊपर हम लोग मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हम बोलेंगे कि और लोग भी कराएं, डरने की बात नहीं है। बिल्कुल, आगे भी और लोग कराएं, डरने की बात नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा। तो ये सही में अपने आप में ताजुब और अजूबा वाला चीज, जो हालांकि कई खबरों को आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और जो अभी तक झारखंड और बिहार में बहुत कम ही ऐसे लोग घरों का काम कराए थे। अभी आप देखें, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, यहां देखें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां देखें आप, ये छज्जा है, मतलब छज्जा को भी सेफ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये छज्जा है, छज्जा को भी कैसे जैक के द्वारा सेफ किया गया है कि छज्जा को भी कोई नुकसान ना हो, और ऐसा भी हुआ है, ये क्लियर ऐसा भी हुआ है कि छज्जा को कोई भी नुकसान नहीं है, यह भी लिफ्ट के सहारे जस का तस बना हुआ है। बहरहाल हम कुछ और बात करते हैं और इस घर के अंदर चलने की कोशिश करते हैं। और कुछ बता रहे थे आप जी? लिफ्टिंग के साथ हम लोग शिफ्टिंग भी करते हैं, मतलब जैसे हमारा एक खाली जगह है ना, अगर दूसरे का मकान हमारे जगह में हम लोग बना लिए हैं, तो उसे अगर घसकाना है तो तोड़ेंगे तो बहुत खर्च पड़ जाता है, इसके लिए हम जैक लगा के उसको सरकाते हैं बिल्डिंग को। क्या बात है, मतलब पूरा का पूरा घर को आप लोग शिफ्ट कर देंगे? जी पूरा शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ आगे में जगह होना चाहिए, एरिया होना चाहिए बस। मतलब कितना कितना दूर? जितना दूर आप बोलिएगा, 200 फुट 300 फुट, आप जितना बोलिएगा उतना दूर तक हम सरका के ले जाएंगे बिल्डिंग। क्या बात है, मतलब लोग जैसे गलत या जमीन में, या यूं कहें तो सरकारी जमीन में लोग घर बना देते हैं और बाद में घर को तोड़ना पड़ता है, तो ऐसे में पूरे घर को तोड़ना नहीं, आप शिफ्टिंग कर देंगे? शिफ्टिंग जी एकदम पूरा कर देंगे शिफ्टिंग, और बिना मकान को नुकसान हुए। अच्छा,
और अगर नुकसान होगा तो हमारी कंपनी उसे भरपाई करके देती है। क्या बात है, ये भी ताजुब वाली बात है कि आप सोच सकते हैं कि आप कितने भी बड़ा घर क्यों नहीं बनाए हैं, यदि आप गलत घर बना दिए हैं या सरकारी जमीन हो या दूसरे का जमीन हो तो आपको घर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन कारीगरों का कहना है कि हम पूरे के पूरे घर को शिफ्ट कर देंगे, यह भी अपने आप में ताजुब वाली बात है। बहरहाल हम आई चलते कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार काम प्रोसेस में है। अब यदि इसको जैक को खोलना हो तो क्या करेंगे अब आप लोग? जी सर, यहाँ से जो है ना हमारा दीवार यहाँ से जोड़ेंगे, ये 15 इंची है और ऊपर हमारा 10 इंची है, तो उसी लेवल में हमें 10 इंची लेना है और 10 इंची ही सटा के जहाँ से हमारा चैनल निकलेगा उतना हम ठोकाई करते हैं, रोड़ी और वो मसाला मिला के उसको ठोकाई करते हैं और ठोकाई करके हम अपना जैक धीरे धीरे निकाल लेते हैं। मतलब आप अपना कंप्लीट करेंगे? बहरहाल हमको देखते हैं एक बार कि आप लोगों ने कैसा किया है। हम आइए दिखाते हैं आपको उन तस्वीरों को भी कि इन्होंने आखिर उस जैक को कैसे हटाया है, वो आप देखें एक बार कि जो उन्होंने बातें की। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ से जैक को हटा दिया गया है, आप देखें। और ये जो बीच में एक एक जैक अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंप्लीट हो रहा, सूख रहा है, वैसे वैसे जैक को निकाल दिया जा रहा है। तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं घर जस का तस और काम भी प्रोसेस में है। जी मैम, और क्या कुछ बोल रही हैं? हम ये कह रहे हैं जब पानी भर जाता है सरकार भी नहीं देखती, मोहल्ला वाले भी नहीं देखते। मेरे घर में मेरी माँ और छोटी बहन रहती है, पूरा घर पानी भरा रहता है, हजारीबाग से आके हमको देखना पड़ता है, लेकिन अगल बगल वाले भी कोई नहीं, सिर्फ नजारा देखते ही। इसलिए परेशान होके आज हमको ये लिफ्टिंग का काम कराना पड़ा। अब तो संतुष्टि है कि हाँ निजात मिलेगा। तो एक चीज बताइए आप, मतलब शासन प्रशासन जब मौन हो जाता है तो आदमी को खुद रास्ता ढूंढना पड़ता है। हाँ, हम इसीलिए अपना रास्ता ढूंढे और सबसे अच्छा रास्ता यही है लिफ्टिंग, कि जिसके भी घर में पानी घुस रहा है थोड़ा सा हिम्मत करे और ये काम करा ले। लेकिन सबसे बढ़िया बात कि इन्होंने कहा कि इस यदि आप किसी के दूसरे के जमीन में आप घर बना लिए हैं तो पूरे के पूरे घर भी आप लिफ्ट करा सकते हैं। हाँ, लिफ्ट और शिफ्टिंग दोनों यहाँ होता है, तो शिफ्टिंग भी हो सकती है। सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। थैंक यू मैम। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।